देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कारोबारी साल 2022-23 की पहली छमाई यानी अप्रैल सितंबर काफी हौसला बढ़ाने वाले रहे हैं। इस दौरान ब्याज दरों में 2% का उछाल आने के बावजूद घरों की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल सितंबर छमाई में 1.73 लाख से ज्यादा घरों की बिक्री हुई है, जो अप्रैल सितंबर 2021 के 87,000 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले करीब 100% ज्यादा है। लेकिन जैसे ही ये तुलना घरों की संख्या की जगह घरों की कीमत से की जाती है तो ये बढ़ोतरी और भी जोरदार नजर आती है। इस साल अप्रैल सितंबर छमाई में बिकने वाले घरों की कुल वैल्यू 1.56 लाख करोड़ रही है, जो अप्रैल सितंबर 2021 के 71,000 करोड़ के मुकाबले 119% ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से हाल के दिनों में लोन की डिमांड बढ़ी है, उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि हाउसिंग मार्केट अब लोगों को लुभाने में कामयाब हो रहा है। सभी कैटेगरी में लोन की संख्या में वृद्धि होना रियल स्टेट और इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है। अक्सर लोग लोन के पैसे को इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं, इससे भी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोन लिया जाता है उसकी रकम बाकी लोन से ज्यादा होती है। रियल एस्टेट सेक्टर में तेज बिक्री बनी हुई है, इसमें लोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लोन का बढ़ना एक अच्छा संकेत है। लोन से बैंकिंग के साथ साथ इकोनॉमिक इकोसिस्टम को भी काफी फायदा होता है, क्योंकि लोन वॉल्यूम का एक बड़ा हिस्सा या तो इन्वेस्टमेंट में उपयोग किया जाता है या पर्सनल एंड डोमेस्टिक जरूरतों के लिए किया जाता है। दोनों से ही मार्केट में कैश फ्लो बना है। अगर कुल सेल्स वैल्यू में अलग अलग शहरों और इलाकों की हिस्सेदारी पर नजर डालें तो फिर इस लिस्ट में टॉपर है मुंबई, जहां पर अप्रैल सितंबर छमाई में करीब 75,000 करोड़ कीमत के फ्लैट्स की बिक्री हुई। इसके बाद एनसीआर में करीब 24,000 करोड़ और बेंगलुरु में करीब 17,500 करोड़ कीमत के फ्लैट्स बिके। इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह अब कोरोना के बाद बड़े घरों की डिमांड में हुए इजाफे को माना जा रहा है। पिछले कुछ समय में, कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में काफी सेल्स में, सेंटीमेंट्स में काफी बढ़ोतरी हुई है। कस्टमर्स ने काफी संख्या में फ्लैट, अपने मकान परचेज किए हैं। इसके पीछे 2-3 मेन कारण हैं। एक, रेरा के आने के बाद कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी काफी इम्प्रूव हुई है। उससे उन्हें लगता है कि उनका फ्लैट, उनका मकान जरूर उन्हें मिलेगा। दूसरे, इकोनॉमी में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है, उसकी वजह से भी ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट है और कस्टमर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मुंबई की ज्यादा हिस्सेदारी की बड़ी वजह वहां पर मिलने वाले महंगे घर हैं। हालांकि अगर ग्रोथ की बात की जाए तो फिर मुंबई से आगे इस मामले में एनसीआर है, जहां पर पिछले साल के करीब 9,000 करोड़ के मुकाबले इस साल की पहली छमाई में 24,000 करोड़ के घर बिके हैं, जो 175% का इजाफा है। हैदराबाद में हाउसिंग सेल्स वैल्यू 130% बढ़कर 7,000 करोड़ के मुकाबले 16,000 करोड़ पर पहुंच गई है। अब जिस तरह से अक्टूबर में त्योहारों के दम पर बिक्री ने जबरदस्त छलांग लगाई है, उसके आधार पर ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022-23 की दूसरी छमाई कैसा प्रदर्शन करने वाली है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।